हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हैं हम। मैं तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का 247वां दिन है और फिलहाल हम किस जगह पे हैं ये हम पूछते हैं सर से। इस जगह का नाम क्या है सर? राम तो ये गणेश मंगला। ओके, फिलहाल हम गणेश मंगला टेम्पल पे हैं और यहाँ मेरी मुलाकात हुई जब मैं कल शाम को आया तो आप लोगों से। थैंक यू मैम। टेम्पल निर्माण यहाँ पे अभी टेम्पल का ऐसा टेम्पल का स्ट्रक्चर बन रहा है। टेम्पल है पीछे भी और अभी नया टेम्पल बन रहा है तो यहाँ पे मुझे भी परमिशन मिल गई। रात को मैं अभी यहीं रुका था, फैन वगैरह चल रहा था। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। मैं वैसे टेम्पल दिखा सकता हूँ ना? टेम्पल ओके। यहाँ पे आप टेम्पल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कंस्ट्रक्शन ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ के मंदिरों में जो ये कलाकृतियाँ होती हैं जो उकेरी जाती हैं, कितना मुश्किल काम है लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। एकदम बारीकी से हर काम किया गया है और ये भी काम चल रहा है, बन रहा है टेंपल। पीछे भी टेंपल है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देवस्तंभम। देवस्तंभम ओके, दीप स्तंभम। हाँ, यही दीप स्तंभम मैंने देखा था पीछे। मैंने दिखाया था आप लोगों को कि उसमें बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। आगे एक यज्ञ कुंड है। बहुत सुंदर। यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसी छोटी छोटी कलाकृतियाँ की गई हैं। वहाँ गणेश जी की एक मूर्ति बनी हुई है ऊपर। और इसके बाद अभी इसमें फाइनल फिनिश दिया जाएगा। अभी इसके बाद इसको और साफ किया जाएगा ना, मूर्तियाँ और चिकनी की जाएंगी ना ये मूर्तियाँ। ये अभी इनको और सही किया जाएगा। पत्थरों में ऐसे कलाकृतियाँ बनाना आज के टाइम पे तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि क्या ही। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे अभी भी लोग बनाते हैं और मंदिरों को बहुत सुंदर सजाते हैं। इवन मैं जब मैं रुका हुआ था, जो मेरा फर्स्ट डे या नहीं जो मेरा लास्ट डे था कर्नाटका में, तो वहाँ पे एक भैया जी से मैं मिला था जिनके घर पे मैं रुका था। उनका काम ही था लकड़ी का और चांदी का काम करना, ऐसे कलाकृतियाँ बनाना उनसे। तो उन्होंने लकड़ी के रथ का काम लिया हुआ था उस टाइम पे, वो काम कर रहे थे। इतना सुंदर बनाया था उन्होंने, मैं तो एकदम मतलब एकदम अचंभित था देख के कि इतनी खूबसूरत सी चीज़ अभी भी बनाई जा सकती है बैठ के। तो ओवरऑल यहाँ से निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, सुबह का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा राइड करना है। फिलहाल हम कोची शहर के बाहर है और मेरे पीछे ये कोची शहर का पूरा एरिया है। ये सब कोची शहर का एरिया था। मैं अभी बाईपास के बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से और करीब 88 किलोमीटर जैसा मैंने अभी तक राइड कर लिया है। 88 किलोमीटर। और थोड़ा दिक्कत है, पैरों में थोड़ी दर्द हो रही है, देखता हूँ 10 किलोमीटर और राइड करूँगा और कहीं पर रुकूँगा क्योंकि आज के लिए काफ़ी हो चुका है। लेकिन बढ़िया है आज का, बहुत ज़्यादा मालूम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, तो काफ़ी अच्छे से जो इजीली हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। और
मैं अभी NS-17 पे आ गया था, NS-66 छोड़ के, क्योंकि वो 2 लेन था और एक ही रास्ते पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, तो मैं फिर दूसरे हाईवे पे आ गया था ताकि थोड़ा सेफ राइड हो सके। बहुत सही है, अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है, अभी 10 किलोमीटर का राइड और बचा हुआ है। फिलहाल मुझे परमिशन मिल गई एक मंदिर पे, और मंदिर यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी, क्योंकि आज संयोग से यहाँ पे केरला में जितने टेम्पल हैं वहाँ पे कुछ तो फेस्टिवल है। मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। उन्होंने बोला अय्यप्पा स्वामी का कुछ फेस्टिवल है, तो यहाँ पे एक अय्यप्पा स्वामी का टेम्पल है, तो मे बी उसकी वजह से सारा डेकोरेशन हो रहा हो। और यहाँ पे ना अभी इतने दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, इतने दीप जलाए जाते हैं, पूरा मंदिर सजा दिया गया है दीप से। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये पूरी ऐसे सरिये के ऊपर भी ना दीपक लगाए गए हैं, तो मस्त सजावट हुई है। मैं टाइमलेस लगा दे रहा हूँ क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है कैमरा या फिर ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना प्रॉपर, तो मैं कैमरा दूर लगा के टाइमलेस लगा रहा हूँ। आप लोग देखिए कैसे सजावट हो रही है इस जगह की, कितना सुंदर लग रहा है। और टाइमलेस तो आप लोग देखिएगा लास्ट में बेसिकली, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे जगह मिल गई है टेंपल में। यहाँ पीछे की स्टेज है, मैं यहाँ पे टेंट लगा के रुकूँगा रात में। और बस यही है आज के लिए, आज के दिन में मैंने 95 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस कवर किया है, काफ़ी दूरी तय कर ली है हमने। और बस आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नई जर्नी पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और अभी आप लोग टाइमलेस देखिए।